बोले पहले हम लोग का सर काट गए, उसके बाद जंगल काट गए। देखिए इतना फूका हुआ है, पैर में पूरा छाले पड़ गए हैं। देखिए आते आते पैदल। सरकार मनाती है पर्यावरण दिवस और ग्रामीणों को देता है बीमारी दिवस, तो हम लोग को सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आखिर हम ही लोग तो उनको बनाए हैं ना, ये तो वो अपने से नहीं मुख्यमंत्री बने, जब हम लोग बने तो हम लोग को क्यों नहीं रक्षा कर रहे? हम लोग के बाल बच्चा के कोई बेटी माटी ना दे रहा है, बोलता है कि धुंगा गर्दा से बलू गांव से बेटी माटी आनेगा तो बल बीमारी पकड़ लेगा। तो मतलब बेटी भी कोई नहीं दे रहा है गांव में? गांव में नहीं दे रहा है। सबसे ज्यादा बच्चे पे पड़ रही है, क्योंकि 6 से 8 साल 10 साल के बच्चे पूरा पीड़ित हैं, सभी कैंसर से जूझ रहे हैं। एक बच्चे का तो हम लोग का मृत्यु भी हो गया। गोटे फोका है, देखा कैसा नहीं गले, देखा कोई दिन ना हो। गोटे पैर में जो है फोका हो गया है। रामगढ़ से सटे बूढ़ा खाप के सैकड़ों लोग पैदल चलते हुए आज राजधानी रांची पहुंचे हैं। करीब 65 से 70 किलोमीटर पैदल चलकर आप देखिए कि महिला, युवा और तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं और राजभवन के पास लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बूढ़ा खाप की स्टोरी आपने फॉलोअप पर पहले भी देखी होगी कि किस तरह से जंगल बचाने के लिए वहाँ की महिलाएँ, वहाँ के लोग पेड़ से चिपक कर खड़े थे। जब उन्हें पता चला कि वहाँ पर लगे रूंगटा स्पंज जो फैक्ट्री है उसके लिए जंगल की कटाई होनी है और उसके बाद जंगल बचाने के लिए तमाम महिलाएं जो है पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई थी। अब चूंकि ये लोग बोल रहे हैं और उस समय भी ये लगातार बोल रहे थे कि रूंगटा का जो वहाँ फैक्ट्री है उससे लगातार आसपास के इलाकों में प्रदूषण का लेवल जो है बढ़ रहा है, पानी खराब आ रहा है, हवा खराब हो चुकी है और कई लोगों की मौत इसी प्रदूषण के कारण हो चुकी है। आप देखिए कि महिलाएं पैदल चलकर पहुंची हैं, पैर देखिए इनका क्या। दादी पैदल आ गए? हाँ पैदल आए गए, ढूंगा गर्दा के लिए। हाँ। सब धान खेती सब अथी रोपो है, खेती बाड़ी सब कर गया है, जहा एक उपजो है, चलो भूलो है, गोड़ हाथ सब कर गया है, जहा आँख कान आँख भी अंधर है, जा है बहुत पर्व है, चलो है से भूलबो करो है से। तो राजपाल से, राजपाल से की बोल रहा हो आप? की बोलते तभी कहाँ बोल ले है, पैर में फोका हो गया की? हाँ गोड़वा इन गोटे फोका है, देखा कैसा नहीं गले, देखा कोई दिन ना हो। गोटे पैर में जो है फोका हो गया है, ये चप्पल पहन कर आई है महिलाएं और चप्पल का दाग हो गया है। तो आप लोग भूलते भूलते आ लिया, बैठो है कहो भूलो है, बैठो है भूलो है, पानी पियो है, ककरो कोई सहयोग करो है, चाना दे है खाए ले, पानी पियो है, फिर बैठो है, चलो है। पैदल आ गए? जी हम लोग पैदल आए हैं। कब चले थे वहाँ से? हम लोग कल 7 बजे चले थे वहाँ से। अच्छा। हम लोग पैदल यात्रा किए और राजभवन आए। क्या इतना मतलब जरूरी हो गया कि उतना दूर पैदल चल के हो गया? हम लोग का गाँव में पूरा प्रदूषण ही फैल गया है, गाँव में हम लोग कौन फैला रहा है प्रदूषण? सरकार मनाती है पर्यावरण दिवस और ग्रामीणों को देता है बीमारी दिवस, इसलिए हम लोग सरकार को निमंत्रण देने आए हैं कि आप पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो किसके लिए मनाते हैं? बीमारी को मनाते हैं कि पर्यावरण दिवस मनाते हैं? और हम लोग हेमंत सोरेन सरकार से पूछेंगे कि आप पर्यावरण दिवस मनाए 5 तारीख को और 6 तारीख को फिर वहाँ जंगल कटाई बूढ़ा खाप में कैसे प्रशासन पहुंची और महिलाओं के साथ कैसे हंगामा हुआ? आप ऐसा ही सरकार होना चाहिए, ऐसा सरकार हम लोग को नहीं होना चाहिए। आप पर्यावरण दिवस मनाए तो हम लोग भी मनाए पर्यावरण दिवस। आप 5 तारीख को मनाए ना, हम लोग 6 तारीख को मनाए। बोले पहले हम लोग को सर काट गए, उसके बाद जंगल काट गए। बिल्कुल देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं जो बूढ़ा खाप से पैदल चलकर यहाँ पर पहुंची है, उनका राजभवन के पास जो है ये प्रोटेस्ट जारी है। जयराम महतो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये महिलाएं और बूढ़ा खाप के लोग ये राजभवन के पास पहुँचे हैं और कई लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो महिलाएं पैदल चलकर यहां पर पहुंची हैं, देखिए वो उनका पैर जो है किस तरह से हो गया। कहां से आए हैं? बूढ़ा खाप से।
क्यों आए हैं? ये अब आए लिए धुंगा गर्दा के लिए, सब बात करे के लिए। धुंगा गर्दा ने प्रदूषण फैल गेल है बहुत का, बाल बच्चा गरु लेरु पानी पर हम इनके रहना दुर्जल हो गेल है हुआ प्रदूषण से। प्रदूषण वाला हम लोग के रात दिन एक रहता है, कुछ नहीं पानी पर हुआ के सुविधा कुछ नहीं है। हम लोग के बाल बच्चा के कोई बेटी माटी ना दे रहा है, बोलता है कि धुंगा गर्दा से बलू गांव से बेटी माटी आनेगा तो बल बीमारी पकड़ लेगा। तो धुंगा बेटी भी कोई नहीं दे रहा है गांव में? गांव में ना दे रहा है, कोई लेके नहीं रहा है। अच्छा ओकर प्लस बात ने का कह देतीन कि बल धुंगा गर्दा बीमारी बल फैल जेत, बल हुआ के लड़का लड़की आन देते से बोलो है। तो वहे ट्रक चलते हम यहाँ आयल कि देखे का कार्रवाई करते कि नहीं करते। पैदल आ गए? पैदल ही फोका गोटे है गेल है गोड़ में देखा। अच्छा इसी से चप्पल से फोका हो गया? हाँ चलते चलते भूये पैदल आयल है, कल 7 बजे के निकलन लागिए। क्या नहीं, हम मेरा नाम है संगीता देवी, हम बूढ़ा खाप से आए हैं। यहाँ बहुत हम लोग को दिक्कत होता है, बहुत हम लोग को रहने सहने में भी बहुत दिक्कत। अगर बैल बकरी भी चराने आते हैं बहुत डस्ट उड़ता है, बहुत गर्दा उड़ता है, वही के लिए हम लोग आए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को प्रदूषण मुक्त हो बस। तो सब आप लोग आए एक साथ? हाँ सब हम लोग, कल 7 बजे से हम लोग घर से निकले हैं। आपका फोका नहीं हुआ पैर में? पैर में कैसे नहीं हुआ है, एक साथ आए हैं तो 70 किलो। देखिए देखिए इतना फोका हुआ है, पैर में पूरा छाले पड़ गए हैं। देखिए आते आते पैदल कल 7 बजे घर से निकले हैं हम लोग, रात में पंचायत भवन में रहे और यहाँ पर आए हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग राज्यपाल से? हम लोग यहाँ न्याय मांगने आए हैं, हम लोग को प्रदूषण नहीं चाहिए, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। धुंगा गर्दा एकदम सब बंद कर रहा है, बस यही हम इन मांग रहा है। झूर जंगल काटना बंद करा है, मैंने ओकरा हम इन दिले हलिए तो मैंने दुनिया फैले खातिर ले कि ओकर दुनिया रहे 10 से 15 साल रहे, कि ओकर जिंदगी भर रोंगटक चालवे रहते हुए नहीं रहते। बाल बच्चा अभी ओकरे होते से कोई काना है रहलो, अंधरा है रहलो, कोई जीवन से चल गया उठ पैठ के, तू देता है रोंगटा? रोंगटा तो नहीं देते हैं कि ककरो अखन 4 गो बेटी है, 2 गो बेटी है, धुंगा गर्दक चलते नहीं लग रहा है। अभी कतरा 4 गो बेटी है, ओकर कतरा दिक्कत है रहा है आँ? कि 4 गो बेटे है वो बेटिया नहीं देते है, कि धुंगा गर्दा खा ले हम बेटिया नहीं देवे तो कतरा नहीं कर रहा है वो, वही चलते हम इन कर रहा है। बंद कर तो बंद कर, हम इनके गाँव सफल रहना चाहिए, बस यही चाहते हैं। तो बिल्कुल देखिए महिलाएं लगातार बोल रही है कि ये नहीं चाहती कि वहाँ पर फैक्ट्री चले, क्योंकि उससे प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि लोग तो बीमार हो ही रहे हैं, साथ ही कोई जो है वो अपनी बेटी को भी उस गांव में शादी के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे कि देखिए किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। आप देखिए कि पोस्टर है हाथ में, लिखा है प्रदूषण मुक्त हो गाँव हमारा, हमसे ना छीने पेड़ हमारा। क्या आप लोग पहले वहाँ पेड़ बचाने के लिए लड़े फिर यहाँ आ गए? जी भैया आपके आपको जोहार करते हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग, आप तो जान ही रहे हैं कि बीते आप हम लोग का इंटरव्यू भी लिए थे, बीते 6 महीने से हम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग को जंगल भी काटने का काम किया जा रहा है, जो वहाँ पे जिस मुद्दे से हम लोग आए हैं आलोक स्टील प्लांट और उनका मालिक का नाम है रामचंद्र रोंगटा, तो हम लोग पूरा ग्रामीण मिल के हम लोग 6 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी हम लोग को कोई भी हम लोग को सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग पूरा आशा विश्वास के साथ हम लोग आए हैं महामहिम के पास कि सभी ग्रामीण हम लोग मिल के और हम लोग अवगत कराएंगे राज्यपाल महोदय को कि हमारे ग्रामीण को पीड़ा कितना ज़्यादा हम लोग को बढ़ते जा रहा है। यहाँ मेन इफेक्ट सबसे ज़्यादा बच्चे पे पड़ रही है, क्योंकि 6 से 8 साल 10 साल के बच्चे पूरा पीड़ित हैं, सभी कैंसर से जूझ रहे हैं। एक बच्चे का तो हम लोग का मृत्यु भी हो गया, तो कहीं न कहीं हम लोग को बहुत ही दर्द है। और हम लोग पैदल चल के आए हैं, हम लोग कल सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक हम लोग एक जगह सिर्फ विश्राम किए हैं विकास में, उसके बाद हम लोग पैदल चलते ही हैं।
हम लोग को पैर में छाला पड़ गया है और हम लोग संघर्ष करके हम लोग पैर घिसते हुए बैठते हुए इतना गर्मी का संघर्ष करते हुए बरसात का संघर्ष करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमको आशा विश्वास है कि महामहिम हम लोग के बातों को समझेगी और बात समझ के और हम लोग को जो भी डिसीजन करेंगे। और वर्तमान सरकार से भी कहना चाहते हैं कि रोंगटा का तलवे चाटना बंद करें और वहां का विधायक सांसद सभी से हम कहना चाहते हैं कि रोंगटा कंपनी सीधा बंद होना चाहिए। पहले तो हम लोग को मांग था डीप बोरिंग बंद हुए, डस्ट फिल्टर लगे, लेकिन अब सीधा हम लोग बहुत थक चुके हैं। हम लोग कितना आंदोलन करेंगे, गरीबों को हम लोग सिर्फ को कुचला जाता है, हम लोग गरीबों को कोई सुनवाई नहीं होता है। हमारे मंत्री विधायक वही रोड से पार होते हैं लेकिन हम लोग ग्रामीण को एक बार भी देखने नहीं जाते हैं। जब चुनाव का टाइम आता है तो छोटे छोटे बच्चों को भी उन लोग प्रणाम करके जाते हैं, हम लोग फूल माला से उनका स्वागत करते हैं, ढोल ढाक ढाक से भी आए हैं, पैदल आए हैं। हाँ, सबसे पहले जोहार, हम अनुपम देवी बोल रहे हैं। अच्छा। और हम भी रामगढ़ के रहने वाले हैं, हम लोग कल से पैदल चल रहे हैं, सुबह 7 बजे रात में हम लोग विकास में रुके और फिर चलते। देखिए इस दीदी का छाले पड़ गया, चलते चलते हम लोग का स्थिति देखिए क्या है, पैर का स्थिति। तो हम लोग को सरकार क्यों नहीं सुन रही है, आखिर हम ही लोग तो उनको बनाए हैं ना, ये तो वो अपने से नहीं मुख्यमंत्री बने, जब हम लोग बने तो हम लोग को क्यों नहीं रक्षा कर रहे। जब वहाँ पोस्टर लगा दी है जल जंगल जमीन हम बचा रहे तो कहाँ बचा रहे, वो तो उजाड़ने का काम करे, हम लोग क्यों लड़ाई लड़ रहे। लेडीज का हम लोग को जानते हैं घर में कितना काम धंधा सब छोड़ के आए हुए सिर्फ अपना अधिकार मांगने के लिए, लेकिन सरकार हम लोग को नहीं सुन रही है तो आखिर हम लोग क्या करें। ये निर्णय तो लेनी होगी ना, ये तो वोट का टाइम आएगा, बहन हम आप लोग के साथ है, हम आदिवासी सरकार है आप ही लोग का, लेकिन वो सरकार सिर्फ कहने का आदिवासी है, हम लोग का कहना नहीं सुन रही है, हम लोग का कहना ही नहीं मान रहे, हम लोग कहाँ से माने। वो आदिवासी सरकार है, 2024 आ रहा है, उनको अभी हम लोग को निर्णय कर दे, हम लोग कल से पैदल चल के आ रहे हैं, कम से कम हम लोग को बोलती है लेडीज को सुरक्षा देंगे, लेडीज को सुरक्षा तो कहाँ सुरक्षा दे रही है, हम लोग तो पैदल आ रहे हैं, भटकते भटकते आ रहे हैं, उतना मुश्किल से वो भी देख के पार हो जाते हैं लेकिन पलट के नहीं देखते। धन्यवाद। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in